सुप्रभात बच्चों, कक्षा 10 के व्याकरण भाग में आपके सिलेबस का हिस्सा है अलंकार। मैंने ऑनलाइन क्लास में अलंकार पढ़ाया है और आपको ये पीडीएफ भी भेजा है। आज आप इसको समझिए कि अलंकार वास्तव में है क्या। तो अलंकार दो शब्दों के योग से बना हुआ एक शब्द है, जिसमें है अलम तथा कार। अलम का अर्थ है शोभा या सुंदरता और कार शब्द कर धातु से बना है, जिसका अर्थ है करने वाला। तो जिस तरह अलंकार शब्द का अर्थ होता है शोभा करने वाला, अर्थात सुंदरता बढ़ाने वाला, उसी तरह संस्कृत के जो विद्वान हुए, जिनमें कि भामह, दंडित, रुद्रट, ये सब जो थे, इन्होंने अलंकार को शोभा बढ़ाने वाले धर्म के रूप में लिया। तो वास्तव में अलंकार जो है वो जिस तरह शरीर की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, उस तरह साहित्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं। अलंकार जो है उसका प्रयोग होता है शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। ठीक वैसे ही अलंकार जो है उसका प्रयोग होता है साहित्य की शोभा बढ़ाने के लिए। अलंकार जो है उसे बहुत सारे विद्वानों ने साहित्य की, काव्य की आत्मा कहा है। भाषा में दो तत्व होते हैं, अर्थ एवं अभिव्यक्ति। तो अर्थ जो है अभिव्यक्ति के स्तर पर शब्द तथा शब्दों से बने पद, पदबंधों का महत्व होता है, और अर्थ जो है भाषा की आंतरिक वस्तु है। अलंकारी वादी आचार्यों ने जो है काव्य को में अलंकार को काव्य की आत्मा बताया। तो शब्द का साहित्य में दो बातें होंगी, शब्द होंगे और अर्थ होंगे। इस आधार पर अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहां शब्दों के प्रयोग से काव्य में कुछ विशेषता आएगी, वहां शब्दालंकार होगा। जैसे अब उदाहरण देखो, काली घटा का घमंड घटा। घटा माने बादल, मेघ, और घटा माने घट जाना। तो यहाँ शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हुआ है, सौंदर्य। शब्दालंकार के जो भेद हैं, मुख्य रूप से तीन भेद जो आपको पढ़ने हैं, वो पहला है अनुप्रास अलंकार। वर्ण की आवृत्ति से जहाँ साहित्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कालिंदी कूल कदंब की डारन, यहाँ देखो क की आवृत्ति है, तो क की आवृत्ति से यहाँ एक संगीतात्मकता आई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही तरणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी कहत लखन समराम हृदय गुनी। ये सब जो हैं विभिन्न उदाहरण, चारुचंद्र की चंचल किरणें, मदित महीपति मंदिर आए, इन सब में देखिए कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, जिसके कारण काव्य में सुंदरता आ रही है, तो इसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अब आता है यमक अलंकार। एक ही शब्द काव्य में बार बार आए, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। जब कविता की पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहाँ पे होता है यमक अलंकार। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, यहाँ देखो तारे, तारे मतलब जितने ईश्वर से प्रार्थना है और ईश्वर का धन्यवाद है कि जितने लोगों का उद्धार तुमने किया, उतने तो आसमान में सितारे भी नहीं हैं। तो एक ही शब्द है दो बार, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग है। फिर है खग कुल 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 सा बोल रहा, कुल माने खानदान, खग कुल यानी पक्षियों का जो खानदान है, और कुल कुल पक्षियों की बोली। फिर ऐसे ही तो पर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा, गले का हार, वैजंती की माला, और उर्वशी हृदय में वास करने वाली, राधा के सौंदर्य की चर्चा हो रही है। अब आता है तीसरा श्लेष अलंकार। ये अलंकार जो है इसमें एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं कविता में। दूसरा नंबर उदाहरण देखिए, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि सुबरन के तीन अर्थ, सुंदर वर्ण, अच्छा रूप रंग और धन संपत्ति। तो चोर ढूंढेगा धन संपत्ति, तो चोर के अर्थ में धन संपत्ति। कवि ढूंढेगा सुंदर वर्ण, सुंदर शब्द, तो कवि के अर्थ में सुंदर वर्ण। और चरित्रहीन व्यक्ति सुंदर रंग रूप देखेगा, ढूंढेगा, तो उसके अर्थ में सुंदर रंग रूप। मंगन को देख पट देत बार बार, भिखारी को देख करके
पट यानी दरवाजा, पट यानी वस्त्र, बार बार वस्त्र दे देती है या बार बार दरवाजा बंद कर देती है। मेरे मानस के मोती, मानस मन और मन रूपी मानसरोवर जो है तिब्बत के पठार पे, वो पानी रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष छून। यहाँ देखो पानी मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए आत्मसम्मान और आटे के लिए साधारण जल के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ये तीन शब्दालंकार हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसको आप अच्छे से लिख भी लीजिए, मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है, और इसको सुन के इसको समझ भी लीजिए। धन्यवाद।